नमस्कार, वैश्यवा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ चेतना चौधरी। चलो रुक करते खास खबरों की ओर। यूपी चुनाव में मोदी और योगी की जोड़ी क्या रंग लाएगी? मोदी जी और योगी जी यूपी चुनाव से पहले लगातार घोषणा पे घोषणा करोड़ों रुपए पैकेज को दिए जा रहे हैं। कभी बनारस, कभी गोरखपुर और अब गंगा एक्सप्रेसवे के अलावा लाखों करोड़ों हजार रुपए यूपी के विकास में लगाए जा रहे हैं, परंतु कितना कारगर सिद्ध होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर इतना तो तय है कि बीजेपी यूपी के चुनाव में बाजी मारने के लिए सपा बसपा कांग्रेस की नींद हराम कर रखी है। आइए हम दिखाते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गंगा एक्सप्रेसवे का कैसे उद्घाटन किया, इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया, जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से साझा की गई है। बताया यहां तक जा रहा है कि गंगा एक्सप्रेसवे में कुल 36,200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत लगाई जाएगी। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे का निर्माण मेरठ से होते हुए प्रयागराज तक बनेगा। आपको बता दें कि ये एक्सप्रेसवे तकरीबन 594 किलोमीटर लंबी और 6 लाइन की ये एक्सप्रेसवे होगी। बता दें कि इस शिलान्यास में पीएम मोदी के साथ साथ सीएम योगी सहित कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। देखिए इस विशेष अवसर को लेकर सीएम योगी ने क्या कहा। एक बहुत बड़े कार्यक्रम का शिलान्यास यहाँ पर करने जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मध्य उत्तर प्रदेश होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास का कार्यक्रम, यह अब तक का देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। लगभग 600 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सप्रेसवे, जिसे बढ़ाकर के 8 लेन का किया जाएगा। मेरठ से प्रयागराज के बीच यह एक्सप्रेसवे बनाने की कार्रवाई हम लोगों ने यहाँ पर इसकी पूरी योजना बना ली है। 36,000 करोड़ रुपए की लागत से एक्सप्रेसवे बनेगा। एक्सप्रेसवे को लेकर बताया जा रहा है कि ये एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजोली गांव के पास से शुरू होकर प्रयागराज के जदारपुर गांडू गांव तक जाएगा। यह एक्सप्रेसवे मेरठ हापुड़ बुलंदशहर के अलावा अमरोला से होकर गुजरेगा। यह एक्सप्रेसवे संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली के रास्ते प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज तक पहुंचेगा। यहां तक कि ये भी बताया गया है प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कि एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बन जाने के बाद यह राज्य के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे माना जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में करीब 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया जाएगा। यह हवाई पट्टी वायुसेना के विमानों को आपातकालीन उड़ान भरने और उतरने में सहायता देगी। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के साथ एक औद्योगिक गलियारा बनाने का भी प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह भी जानकारी दी कि इस एक्सप्रेसवे के बनने से औद्योगिक विकास, पर्यटन, कृषि, व्यापार आदि क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। इससे क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक विकास में तेजी से बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि गंगा एक्सप्रेसवे के बनने से 12 जिलों के 75 विधानसभा सीटों पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। बाकी की खास खबरों के लिए आप देखते रहिए वैश्यपा न्यूज़। नमस्कार।